और अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रामलला की प्रतिमा की पहली झलक, पहली तस्वीर सामने आई है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है रामलला की ये तस्वीर, ये मूर्ति, और मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ये प्रतिमा तैयार की है। अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर रामलला की प्रतिमा की पहली झलक, पहली तस्वीर सामने आई है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है रामलला की ये मूर्ति, और मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह प्रतिमा तैयार की है, जिसको 22 तारीख को स्थापित किया जाना है। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, जिन्होंने ये मूर्ति तैयार की है भगवान श्री राम की। और ये देखिए तस्वीर स्क्रीन पर, किस प्रकार से भगवान श्री राम की ये पहली झलक, पहली तस्वीर मंदिर में विराजमान हो चुकी है। कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है रामलला की ये प्रतिमा, भगवान श्री राम की ये प्रतिमा, और मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ये प्रतिमा, ये मूर्ति तैयार की है। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं अरुण योगीराज, जिन्होंने भगवान की ये प्रतिमा तैयार की है, ये मूर्ति तैयार की है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर उत्साह का माहौल है। तो बड़ी खबर ये आपको अयोध्या से बता दें, जहां पर भगवान श्री राम की प्रतिमा की पहली झलक, ये पहली तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है रामलला की ये प्रतिमा, मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ये प्रतिमा, ये मूर्ति तैयार की है भगवान श्री राम की। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं अरुण योगीराज, जिन्होंने ये मूर्ति तैयार की है। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। और ये पहली झलक, पहली तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए अयोध्या से हमारे साथ में रोहित श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। रोहित श्रीवास्तव जी, ये पहली झलक, पहली मूर्ति देखने को मिल रही है भगवान श्री राम की, कितना उत्साह, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में उत्साह का माहौल है, अब पहली झलक भगवान श्री रामलला को देखने को मिली है, जिसको लेकर के पूरा देश इंतजार कर रहा है। बस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के सब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके बाद भगवान श्री रामलला के दर्शन किए जाए। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से मूर्ति की जो पहली झलक दिखाई दी है, पूरा अयोध्या, पूरा देश कह सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा है बस कि भगवान श्री राम लला के दर्शन किए जाए। हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा जो बोला गया है कि जब तक के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, उसके बाद श्रद्धालुओं को दर्शन करने को मिलेगा। पर 23 जनवरी को आज बता दें कि आज जो है मंदिर प्रांगण बंद कर दिया गया है और 23 जनवरी को खुलेगा श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। और अयोध्या की बात कर ले तो अयोध्या में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी मनीष जी बिल्कुल। रोहित जी, इस मूर्ति की खास बात क्या है? इसको मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया गया है, लेकिन जो कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज है, जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है, किस प्रकार की इस मूर्ति की बनावट है, कैसी भावभंगिमा है प्रतिमा की? जी बिल्कुल मनीष, आपको बता दूं कि अरुण योगी राज की बात कर ले तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिन्होंने इस मूर्ति का को बनाया है। और आपको बता दूं कि ये मूर्ति तीन मूर्ति बनाई गई थी, जो कि नेपाल से जो पत्थर आया था उससे बनाई गई मूर्ति। और ये भी बता दूं, अरुण योगी राज जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनके बात कर ले तो ये जो पहले भी कई मंदिरों का ढांचा बना चुके हैं, कई मंदिरों के निर्माण में उनका सहयोग रहा है। और अभी राम मंदिर का जो बनाया गया, राम मंदिर का जो ये जो मूर्ति बनाई है भगवान श्री राम लला की, उसमें भी उन्होंने काफी तरीके के कारीगरी की है। और आपको ये भी बता दूं कि तीन तरीके की जो मूर्ति बनाई गई थी, इसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने एक मूर्ति फाइनल की है, उसको लेकर के कल जो है स्थापित किया गया भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति है। और लोगों में इंतजार है, लोगों का इंतजार है कि जल्द से जल्द भगवान श्री राम लला के दर्शन किए जाए। जी जी बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या से जहां पर भगवान श्री राम की पहली तस्वीर, प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आई है, पहली झलक सामने आई है, और शानदार तरीके से इस मूर्ति की नक्काशी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्तिकार की तारीफ कर चुके हैं। मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह प्रतिमा तैयार की है। कर्नाटक के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं अरुण योगीराज, जिन्होंने यह प्रतिमा भगवान श्री राम की तैयार की है।
शानदार तरीके से इस पर नक्काशी की गई है, शानदार तरीके से इसको आकार दिया गया है और 22 जनवरी को पूरा कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रामलला की प्रतिमा की ये पहली तस्वीर सामने आई है। मंदिर के गर्भगृह में ये प्रतिमा को विराजमान किया गया है और 22 जनवरी को इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है।